अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर दोबारा हम लोग फ़िशरी आए हुए हैं। ताज़ा तरीन रेट्स आप लोगों को बताएंगे मुख्तलिफ़ मछलियों के हवाले से। तो ये मुख्तलिफ़ मछलियाँ सामने नज़र आ रही हैं, ये सामने दिंदिया नज़र आ रही है जो ये पीले फड़ वाली होती है, ये 550 रुपये पर केजी है इन्होंने बताया। और ये साथ कौन पड़ी हुई है, ये लंबे मुँह वाली जिसका ये चोंच की तरह मुँह होता है, तो इसका ये 550 रुपये पर केजी है। ये भी खाने में बहुत अच्छी होती है। और ये वाली साथ ये मुश्का, ये सूआ मछली होती है, और ये सबसे महंगी मछली यही होती है। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर से जो इसका कचरा निकलता है, आलाइशें निकलती हैं, आंतें वगैरह, उसमें से ऑपरेशन का धागा बनता है। तो ये साबुती जो है ना, इसके बहुत ज़्यादा प्राइस होती है। ये 1800 रुपये पर केजी का ये रेट बता रहे हैं, इसलिए कि इसका ऑपरेशन का धागा जो है तो उसमें से निकलता है। वो डॉक्टर्स वगैरह जो है ना, इसको ऑपरेशन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब खाली हो जाती है तो उसके बाद इसका जो है ना कीमत कम हो जाती है। रेट जो है ना इसका साबुत मछली का ये 1800 रुपये पर केजी का हिसाब होता है। तो आगे भी चलते हैं, आगे आप लोगों को बताते हैं। ये भी एक और दिंदिया नज़र आ रही है, पीले फड़ वाली दिंदिया है। इसका रेट इनसे पूछते हैं कि ये क्या रेट इसका दे रहे हैं। तो ये दिंदिया वैसे खाने में बहुत अच्छी होती है, लजीज मछली होती है। दिंदिया का जो है ना ये 550 रुपये पर केजी बता रहे हैं। अब ये धोतर का जो है, तो ये छोटी धोतर है, इसका रेट भी जो है तो अच्छा ही होता है और खाने में भी अच्छी है। और 500 रुपये पर केजी का धोतर का रेट है। और ये साथ में मुश्का पड़ी हुई है, मुश्का के बारे में भी जो है तो ये बहुत अच्छी मछली होती है खाने में, और 450 रुपये पर केजी का रेट है मुश्का का। आगे भी चलते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों में मुख्तलिफ़ रेट होते हैं, क्योंकि सब अलग अलग व्यापारी खड़े होते हैं जो बेचने वाले, तो उस हिसाब से फिर सबका अपना अपना रेट होता है। 100-50 रुपये कम ज़्यादा जो है तो हर किसी के फ़र्क होता है। इस तरह से क्वालिटी के अंदर भी फ़र्क होता है, किसी की क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती है, किसी के दाने थोड़े बड़े होते हैं, किसी के छोटे होते हैं। जितने बड़े दाना होता है तो उतना जो है ना उसका रेट ज़्यादा होता है। ये अभी 350 रुपये पर केजी का रेट है दोस्तों। और ये कुंद, कुंद मछली की पहचान ये होती है कि इसका मुँह आगे से जो है ना चोंच की तरह बना होता है। ये 650-600 रुपये पर केजी है। और ये सारे मछली माई माई मछली है, इसके बारे में इन्होंने बताया है कि इसका भी रेट जो है, ये सारेम और माई माई जो मछली होती है इन दोनों के रेट तकरीबन एक जैसे होते हैं, 400 रुपये पर केजी। देखने में भी जो है ना एक जैसी होती हैं दोनों। अब ये दिंदिया नज़र आ रही है जो कि 200 रुपये पर केजी के हिसाब है। आगे अभी चलते हैं, मुख्तलिफ जो है ना रेट हैं आप लोगों को साथ साथ बताते रहेंगे मछलियों के, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके। मछली जब ख़रीदने के लिए आएँ तो आप देखभाल के लिए, ये सारे मछली है देखें, अभी ये 350 रुपये यहाँ पर बता रहे हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ रेट था। ये अभी दिंदिया है, इसका थोड़ा सा मुख्तलिफ बड़ा साइज़ है ये। अब दिंदिया का जो है ना ये ताज़ा, ये ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं, 300 रुपये केजी है ये। और ये मुल्ला मछली है, इसको मुल्ला मछली कहा जाता है मकामी ज़बान में, और इसके रेट भी बहुत हाई फाई होते हैं हमेशा ही। जब भी जो है ना हम यहाँ पर आएँ तो ये भी देखें, 600 रुपये पर केजी का रेट है इसका। और साथ में ये कुंद है, छोटा कुंद, और ये साथ में हीरा है, ये रेड कलर का जो होता है, रेड स्नैपर इसको कहते हैं। और साथ में छोटा कौन का पर केजी का रेट 500 रुपये है। और ये रेड स्नैपर है जो ये लाल कलर की नज़र आ रही है, तो इसके देखते हैं रेट क्या है। इसका रेट देखें 1000 रुपये पर केजी है, जो कि हीरा का भी रेट जो है ना अक्सर जो है ना ज़्यादा ही होता है, इसके भी रेट हाई फाई होते हैं, कम नहीं होता है इसका रेट। तो आगे चलते हैं अभी दोस्तों, ये साथ में ये धोतर है, सूआ धोतर है ये जो है, तो ये बड़ा मुश्का है, ये बड़े साइज़ का मुश्का होता है ये, इसको जो पीले फल वाला मुश्का भी कहते हैं। तो इसके रेट भी अच्छे ज़्यादा ही होते हैं, 500 रुपये पर केजी है दोस्तों ये रेट इसका, जो कि बहुत ही हाई फाई रेट है आज मछलियों के। आगे भी चलते हैं, आपको साथ हम मुख्तलिफ़ जगहों के रेट्स बताएंगे। अब ये मछली देखें, ये धोतर की नस्ल की है, छोटी नस्ल की, छोटी धोतर है। अब इसका रेट जो है तो 500 रुपये पर केजी है, इसलिए कि छोटी। और ये बड़े साइज़ की धोतर है, इसका रेट जो है तो बड़ी होने की वजह से 1000 रुपये। और ये आगे ये सुरमई मछली है, सुरमई मछली का भी रेट जो 1100 रुपये पर केजी है, इसके भी रेट जो है तो अक्सर ज़्यादा ही होते हैं, और सर्दी के दिनों में तो वैसे ही फिर ज़्यादा होते हैं। और ये आगे धोतर पड़ी हुई है, इसके भी रेट ये है कि दो ढाटी फिश है, ये 500 रुपये पर केजी है दोस्तों ये। अभी दूसरी तरफ चलते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है तो आप लोगों को विज़िट करवा रहे हैं, ताकि आप लोगों को रेट्स का अंदाज़ा हो सके। और जब भी आप आएँ तो किसी एक जगह से जो है ना फ़र्स्ट टाइम ही ना ख़रीद दिया करें, पहले आगे भी जो रेट देखा करें,
जहाँ मुनासिब लगे अपनी रेंज के मुताबिक तो वहाँ से लिया करें। ये अभी जैसे दोतर मछली, बल्कि नहीं, ये हीरा मछली का रेट बताया 800 रुपये पर केजी का। ये डामा फिश है 450 रुपये पर केजी, ये भी खाने में बहुत अच्छी होती है। और ये ब्लैक पापलेट है, इसका भी रेट 500 रुपये पर केजी ज़्यादातर होता है और अभी भी ऐसा ही। और ये घिंगड़ा मछली है, ये खाने में कुछ इतनी ख़ास नहीं होती, लेकिन ये है कि गुजारे लायक होती है। और इसका रेट भी 200 रुपये पर केजी के हिसाब से दिया जा रहा है। और साथ में ये रिंजी मछली है, जो फिंगर फिश के लिए स्पेशली जो है तो बनाई जाती है, इसके 300 रुपये पर केजी का रेट है। फिंगर फिश के लिए अक्सर यही जो है ना लोग लेकर जाते हैं, और इसके फिंगर फिश अच्छे बनते हैं। इसकी निशानी है कि इसके मुंह पे बाल होते हैं। और इसके अलावा खग्गा मछली भी होती है, जिसके फिंगर फिश बनाए जाते हैं।